हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को इंग्लिश विद भरत सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेम फॉर्म ऑफ भव से, यानी भव वैसे भव हम लोग देखेंगे जिस भव के तीनों रूप बिल्कुल सेम होते होंगे, यानी V1, V2 तथा V3 तीनों के तीनों रूपे आपका बिल्कुल सेम होता है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। हम लोग वैसे भव्य पे पहुंच गए हैं जिन V1 का V2 और V3 बिल्कुल आपका सेम होता है। तो सबसे प्रथम आपके पास भव्य है जिसका नाम है बेट, जिसका हिंदी होता है सदते लगाना। बेट का हिंदी होता है सदते लगाना। बेट जिसका V2 भी बेट होता है और V3 भी आप देख सकते हैं कि बेट ही होता है। तो इस प्रकार से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हम लोग वैसे भव को देखेंगे जिस भव का V1, V2, V3 सेम होता है। तो आपको एक पता चल गया होगा कि वैसे भव का ही हम लोग जिक्र करेंगे जिसका V1, V2, V3 सेम होता है। देखिए, सेकंड आपके पास भव है बर्स्ट, BURST। बर्स्ट आपका सेकंड भव है जिसका V2, V3 तीनों सेम आपके होते हैं। थर्ड में आपके पास है कास्ट, तो कास्ट आपका जिसका V2 और V3 आपके देख सकते हैं तीनों सेम है। फोर्थ में है कोस्ट, यानी कीमत, तो आपका फोर्थ है भव कोस्ट है जिसका V2 भी देखिए कोस्ट है और V3 भी कोस्ट ही है। बात आई समझ में? देखिए, एक यहाँ पे कास्ट जो लिखा गया है, यदि कास्ट में हमें टी के बाद ई लिख दें तो यह कास्ट जाति को बताएगा। बातें समझ में आ रही है? चलिए आते हैं नंबर 5 में डिफेंड। डिफेंड का V2 भी डिफेंड है और V3 भी आप देख सकते हैं डिफेंड ही है। छठा में आपके पास फिट है, फिट का V2 और V3 आप देखिए तीनों सेम है। सेवेंथ में फोरकास्ट है, तो फोरकास्ट का भी V2 और V3 तीनों सेम है। फोरकास्ट का हिंदी होता है भविष्यवाणी करना। फोरकास्ट का हिंदी क्या होता है? भविष्यवाणी करना। ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं, ये सभी आपके परीक्षा में बहुत ऐसे जगह पे देगा जहाँ पे बहुत से बालक गलती कर बैठते हैं। तो आप लोगों से किसी भी परीक्षा में गलत ना हो, इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ पे यह भव दिया गया है। हिट, हिट माने मारना होता है, जिसका आप देख सकते हैं V1 भी हिट है, V2 भी हिट तथा V3 भी हिट ही है। 9 में है हर्ट, हर्ट का मतलब होता है दुख पहुँचाना, चोट पहुँचाना, तो इसका भी V2 और V3 आपका सेम ही है। 10 में है इनपुट। और 12 में भी आपका देखिए आउटपुट है, तो इनपुट तथा आउटपुट ऐसे भव हैं जिसका V1, V2 और V3 आपको सेम होता है। मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में मेरी बातें आ रही होंगी, आप लोग भी हमारे बातों को समझ पा रहे होंगे, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं अच्छे से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के पास से शेयर करिए। जो भी बालक पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, कृपया आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। 12 में आपके पास पुट है, पुट का हिंदी होता है रखना, तो पुट का आप देखिए आपका पास V2 भी पुट है और V3 भी पुट ही है। क्लियर है? जैसे कि मान लीजिए आपको एक सेंटेंस के माध्यम से यदि हम आपको समझाना चाहें पुट के स्थिति में, तो आप देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर ये तीनों रूप कैसे एक समान हो सकते हैं, है कि नहीं बात। देखिए यहाँ पे यदि हमें एक सेंटेंस आपको लेकर दिखा देते हैं अच्छा से ताकि कोई दिक्कत ना हो। यदि आपको हम कहें साइज आपको बड़ा ले लिया जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा,
वन मिनट बस हो गया आपका। चलिए देखिए, आई पुट माई बुक, मैं अपना किताब रखता हूँ। यहाँ पे पुट जो है ये आपका भीवन के सेंस में है, बातें समझ में आई। मैं अपना किताब रखता हूँ, या आप लिख सकते हैं ऑन द टेबल। तो यहाँ पे पुट मेरे बाबू भीवन के रूप में है, कैसा है, भीवन के रूप में है। अब यदि आपको यहाँ क्वेश्चन में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे पुट जो है वह भीवन है। अब सेकेंड सेंटेंस आपको हम कहें, ध्यान दीजिएगा, आई पुट माई बुक यस्टरडे। देखिए यस्टरडे जिस सेंटेंस में आता है वह सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट में। आपको मालूम है कि पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब होता है भीटू के रूप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुट जो आपका मेन वर्ब है यह भीटू के रूप में लिखा गया है, तो हम लोग यहाँ पे पुट को भीटू बना देंगे। बातें समझ में आ रही है। चलिए एक आपको हमें भी थ्री के रूप में लिखा देते हैं, आई हैव पुट माई बुक ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में आप देखिए हैव के बाद आपको पता है कि भी थ्री होता है, और यहाँ पे पुट आपका भी थ्री के रूप में ही लिखा गया है। तो प्रथम सेंटेंस में पुट देखिए भी वन है, सेकंड सेंटेंस में पुट भी टू है। कैसे पता चला, तो यस्टरडे से पता चला। और थर्ड सेंटेंस में हैव है के बाद में भी थ्री होता है, तब पुट यहाँ पे भी थ्री है। तो मैंने आप लोगों को भी वन भी टू और भी थ्री तीनों के रूप में समझाने का यहाँ पे प्रयास किया। आई होप आप लोगों को अच्छा से समझ में आ भी गया होगा। ये जो मैंने समझाया आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट से आपके सराहना से ही हमें आगे वीडियो बनाने का शक्ति मिलता है। तो हम लोगों ने पुट तक देख लिया था बाबू, अब आते हैं 13 में। 13 है पैट, पैट का हिंदी होता है थप थपाना, शाबाशी देना जिसे आप कहते हैं। तो इसका पैट का भीटू भी पैट है, और आप देख सकते हैं भी थ्री भी पैट ही है। 14 देखिए क्यूट, 14 का आपका है हिंदी आपके पास है QUIT, तो क्यूट आपके पास है, जिसका भीटू भी आपका क्यूट ही है, भी थ्री भी क्वाइट ही है। क्वाइट क्वाइट का मतलब होता है छोड़ना। याद देखिए 15 में रीड, READ रीड है, भी टू READ ही लिखा गया है, और भी थ्री भी READ ही लिखा गया है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तीनों फॉर्म में स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन जहाँ तक यदि हम बात करें उच्चारण में प्रोनाउंसिएशन में, तो इसे भी वन को पढ़ा जाता है रीड, भी टू को पढ़ा जाता है रेड, और भी थ्री को पढ़ा जाता है रीड। इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि रीड का भी टू जब उच्चारण हम करेंगे तो यहाँ पे रीड हम उच्चारण करेंगे। बात आपको समझ में आई। अब आपको मैं इस रीड से भी एक सेंटेंस दिखा सकता हूँ, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये जैसे कि जो सेंटेंस है इसको मैं हटा देता हूँ। यदि आपसे कहा जाए आई रीड द न्यूज पेपर, आई रीड द न्यूज पेपर, मैं न्यूज पेपर पढ़ता हूँ। अब यदि मान लीजिए मैं इसमें लिख देता हूँ डेली, मैं प्रत्येक दिन न्यूज पेपर पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे रीड आपका भीवन हो गया, रीड छोटू का हुआ भीवन हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे आपको समझना है। अब यदि हम कहें आई रीड द न्यूज पेपर,
अब हम यहाँ पे लिख देते हैं यस्टरडे, मैंने कल न्यूज पेपर पढ़ा, तब यहाँ पे हिंदी हो जाएगा पढ़ा, मैंने पढ़ा कल न्यूज पेपर, तो यहाँ पे रीडे बाबू आपका भी टू हो गया। अब यहाँ पे हम इसे रेड पढ़ेंगे, स्पेलिंग बिल्कुल सेम रहेगा। एक सेंटेंस यदि आपको लिखा जाए आई हैव, एक मिनट, आई हैव रीड द न्यूज पेपर, मैं न्यूज पेपर पढ़ लिया हूँ या पढ़ चुका हूँ, एक मिनट यहाँ पे फेंक लिया, न्यूज पेपर, बात समझ में आ रही है। तो आप देखिए यहाँ पे रीड जो है यह आपका भी थ्री के रूप में है, भी थ्री के रूप में है। तो इस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है और आपको सेंटेंस दिया जाएगा, परीक्षा में आपको फंसाने के लिए काम किया जाता है इस तरह से। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। आगे आपके पास है रीसेट, रीसेट लिखा गया है जिसका हिंदी होता है फिर से जुड़ना, रीसेट का हिंदी होता है फिर से जुड़ना। रीसेट का देखिए आपका V1 रीसेट है, V2 रीसेट है और V3 भी रीसेट ही है। इसके बाद 17 में है रीड, RID, इस रीड का हिंदी आपका होता है मुक्त करना, मुक्त करना हिंदी आपका होता है, तो इसका V2 भी रीड है और V3 भी रीड ही है। अब आते हैं 18, रीकास्ट, 18 आपके पास से रीकास्ट का हिंदी होता है मरम्मत करना, आप लोग लिख लीजिएगा, रीकास्ट का हिंदी होता है मरम्मत करना, V2 भी रीकास्ट है और V3 भी रीकास्ट ही है। 19 आप देख सकते हैं सेट, सेट का हिंदी आप जानते हैं स्थापित करना होता है, V2 भी सेट है और V3 भी सेट है। 20 में है सेड, SHED, सेड का हिंदी होता है गिराना या बहाना, सेड का हिंदी होता है गिराना या बहाना, इसका भी V2 आपका सेड ही है और V3 भी सेड ही है। अब आते हैं 21, स्लिट, स्लिट आपके पास है, स्लिट का हिंदी होता है चिदना या फाड़ना, स्लिट का हिंदी हो गया चिदना या फाड़ना, इसका V2 भी स्लिट है और V3 भी स्लिट ही है। अब ये 22 में शट, SHUT, शट का हिंदी होता है बंद करना, V2 भी शट है, V3 भी आपका शट है। 23 आपके पास है स्प्लिट, स्प्लिट का हिंदी होता है बांटना, स्प्लिट का हिंदी क्या होता है बांटना, तो V2 भी स्प्लिट है और आपके पास V3 भी स्प्लिट ही है। 24 स्प्रिड, फैलना, बहुत ही आपके ये कन्फ्यूजिंग भाव होते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, स्प्रिड जिसका स्पेलिंग V1 में है वही है, V2 में भी स्पेलिंग वही होता है और V3 में भी स्पेलिंग वही होते हैं। अब आते हैं 25 है टेलीकास्ट, टेलीकास्ट जिसका हिंदी होता है दूरदर्शन प्रसारित करना, बताया समझ में, एक था ब्रॉडकास्ट, एक ब्रॉडकास्ट होता है जिसका आपका हिंदी होता है प्रसारण करना, यहाँ पे टेलीकास्ट है, जो भी आप दूरदर्शन चैनल पर देखते हैं तो उसके लिए टेलीकास्ट का उपयोग होता है, जिसका V2 भी वही होता है और V3 भी वही होता है। अच्छे ब्रॉडकास्ट आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया है कि नहीं लिखे थे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एक ब्रॉडकास्ट भी होता है, आप लिख लीजिएगा ना। चलिए अब आगे आते हैं, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप सभी लोग पढ़ने में पूरा मन लगाए, जितना हो सके उतना केवल पढ़ाई पे ही ध्यान देना है, बाकी फालतू में समय इन्वेस्ट करने से कोई फायदा तो है नहीं, जितना हो सके आप जल्दी अपने जॉब अपने लक्ष्य पर आपको प्राप्ति हो, ताकि आप भी बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, और वह व्यक्ति तभी निश्चिंत हो सकता है जब उसके पास अपना एक मंजिल एक लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, बात है समझ में आ रही है ना। चलिए तो 25 तक हम लोगों ने देख लिया, अब आते हैं 26 में, 26 है
थ्रस्ट है, टी एच आर यू एस टी, आपका थ्रस्ट है जिसका भी टू भी थ्रस्ट होता है और भी थ्री भी थ्रस्ट ही होता है। अब आइए 27 वेड, वेड वेड मानो होता है शादी करना, विवाह करना, इसी वेड से आप सुने होंगे वेडिंग, फलानावा का चिलानावा संग वेडिंग है तो ऐसा सुनने को मिलता है वेड से ही, और वेड जिसका भी टू भी वेड है और भी थ्री भी वेड ही है। अब आते हैं 28 में वेट, वेट मानो होता है गीला करना, डब्ल्यू ई टी गीला करना या भिंगोना भी कह सकते हैं, तो वेट का भी टू भी वेट और आप देख सकते हैं भी थ्री भी वेट ही है। तो हम लोगों ने दोस्तों इस प्रकार से एक से लेकर अट्ठाईस तक वैसे भव को जानकारी प्राप्त किया जिस भव का भी वन भी टू और भी थ्री बिल्कुल सेम होते हैं, और मैंने आपको दो भव से एग्जाम्पल भी बता दिया है, एक रीड से बताया एक पुट से बताया। आप सभी लोग इस पूरे भव को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, और हो सकता है कि आगे के वीडियो में हमें इसी प्रकार के भव को आपको मैं दिखाऊं जहां पर आपको कन्फ्यूजन जो होता है वह हमेशा के लिए दूर हो जाए। आई होप आप लोगों को यह लेक्चर यह वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अपने बाकी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जो भी नए बालक मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको समय पे मिलता रहे। चलिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।